हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टीरियस क्राफ्ट। आज फिर एक नए गेम के साथ हाजिर है और ये है बहुत ही मज़ेदार गेम। गेम खेलने के लिए चाहिए चूड़ियाँ और पिन। गेम खेलने के लिए क्या करना है, गेम खेलने के लिए हमने ये बहुत सारी चूड़ियाँ ली हैं, लेकिन जो चूड़ियाँ ली हैं इसमें हमने तीन तीन चूड़ियाँ ली हैं एक एक तरह की, जिसकी ये तीन चूड़ियाँ हैं, ये एक तरीके की तीन चूड़ियाँ हैं और इन सभी चूड़ियों को मिक्स कर दिया है, जिससे कि जब गेम खेलेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा मेंबर को कि किस तरीके की चूड़ियाँ लगानी हैं। मेंबर को क्या करना है, तीन चूड़ियाँ एक सी लेनी है, छांट करके एक सी चूड़ियाँ लेनी है इसमें से। जैसे कि ये तीन चूड़ियाँ एक सी ले ली मैंने, अब तीन पिन लेंगे हम इसमें से, तीन पिन ले करके और पिन को चूड़ी में लगाना है, त्रिकोण बनाना है इस तरीके से। तो तीन पिन लगेंगे, तीन चूड़ियाँ चाहिए। चूड़ियों को बिल्कुल इस तरीके से रखना है, ऐसे नहीं रखना है कि ऐसे करके बस लगा करके इस तरीके से रख दिया, ऐसे नहीं रखना है, बिल्कुल इस तरीके से रखना है, जिससे कि जो चूड़ियों का त्रिकोण बनाया है वो दिखे। इसी तरीके से एक मिनट में या हाफ मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा हम चूड़ियों के त्रिकोण बनवाएंगे, जिसके सबसे ज़्यादा त्रिकोण बन जाएंगे वो विनर हो जाएगा। क्योंकि ये जो चूड़ियाँ हैं एक से कलर की हैं वो, लेकिन अलग अलग हैं तो थोड़ा सा छांटने में भी टाइम लग जाता है चूड़ियों को। मैंने ये थोड़ी सी चूड़ियाँ रखी हैं, आप बहुत ज़्यादा सी चूड़ियाँ भी रख सकते हैं, जिससे कि मेंबर कन्फ्यूज़ हो जाए। अब ये तीन चूड़ियाँ एक सी हैं, आप देख सकते हैं। और अगर जिसकी भी चूड़ी गलत लगी होगी, जैसे कि इसमें दो चूड़ी एक सी हैं और एक चूड़ी गलत लगी हुई है, तो वो त्रिकोण नहीं माना जाएगा। इस तरीके से त्रिकोण बनाते जाएंगे और बिल्कुल इसी तरीके से रखने जैसे ये रखे जा रहे हैं। अगर एक साथ रख दिए जाएंगे, ये सारे मिला करके एक संग ऐसे कर दिए जाएंगे, तो ये त्रिकोण नहीं माने जाएंगे। पिन पूरी तरीके से इस तरीके से खुला हुआ होना चाहिए, जिसके भी एक मिनट में या हाफ मिनट जो भी आप टाइम रखेंगे उसमें सबसे ज़्यादा त्रिकोण बन जाएंगे वो विनर होगा। तो बताइए फ्रेंड्स, आपको ये गेम कैसा लगा। अगर ये गेम अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने से सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी, जिससे कि आप मेरी नई वीडियो को देख पाएंगे।